वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है कन्वर्ट 2 आवर्स 5 मिनट्स इनटू सेकंड्स। 2 आवर्स हैं, 5 मिनट्स हैं, उनको हमने सेकंड्स में ही कन्वर्ट करना है। तो अगर आपके पास फुल फॉर्म है तो ठीक है, आपने फुल फॉर्म के साथ ही करना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आवर की एच है और मिनट की MIN है और सेकेंड SEC है, तो फिर आपने इस तरह कर देना। ओके, तो मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म ही ली है, तो मैं यहाँ पर फुल फॉर्म के साथ ही इसको सॉल्व करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी फुल फॉर्म ही ली थी, उसी को यूज़ किया था। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि हमारे पास 1 आवर में कितने जो हैं मिनट्स होते हैं। तो 1 आवर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 मिनट्स और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। समझ आ गया। उसके बाद अब हमने फाइंड क्या करना है, 2 आवर्स 5 मिनट्स में सेकेंड्स। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने तो फाइंड यही करना है, 2 आवर्स 5 मिनट्स। और हम यहाँ पर करेंगे कैसे, उसको इस तरह करेंगे कि 2 का 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आवर में हमारे पास क्या होता है, 2 का तो 2 आ गया ना, 1 आवर में हमारे पास मिनट्स होते हैं 60, तो 60 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो 60 × 60 आ गया। जैसे यहाँ पर देखें तो हमारे पास 1 का 1 आ गया मल्टीप्लाई, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो मल्टीप्लाई 60, और 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो मल्टीप्लाई 60 सेकंड आ गया इस तरह। और फिर जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो टोटल हमारे पास सेकंड्स आ गए 1 आवर में कितने होते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 1 था तो हमने 1 लिख लिया, यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, बाकी सारा सेम रहेगा। और यहाँ पर सेकंड्स भी लिख लें। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, और ये मिनट्स है इसको 20 सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे उसको फाइंड करने के लिए 5 को 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 × 60 सेकंड्स, ऐसे यहाँ पर लिख लिया। ओके, और आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आ जाएगा 7200 सेकंड्स। ओके, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 होता है, और 1 0 आ गया, और साथ में ये यहाँ पर ये सेकंड्स आ गया। और अब हम इनको प्लस करवा लेंगे, तो इनको प्लस करवा के हमारे पास क्या आ जाएगा, 7500 सेकंड्स। तो अब आपको समझ आ गई कि आपके पास क्या आ गया, जब 2 आवर्स 5 मिनट्स में कितने सेकेंड्स आ गए, 7500 सेकेंड्स। तो अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, यहाँ पर आवर्स चेंज हो, बस आपने वही लगा के और उसको 5 मिनट्स चेंज हो, तो आपने वैसे ही मेथड यही रहेगा, बस वो जो गिवन होगा वो आपने यहाँ पर लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।